यमुनानगर के कस्बा रादौर के एक नामी अल्ट्रासाउंड केंद्र से कुरुक्षेत्र व यमुनानगर की संयुक्त ENDT टीमों ने कार्रवाई करते हुए गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच करवाने वाले एक शख्स को काबू किया है। पकड़ा गया युवक करनाल जिले के गांव मखाला का बताया जा रहा है। फिलहाल पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यमुनानगर डिप्टी सिविल सर्जन पुनीत कालड़ा ने बताया कि कुरुक्षेत्र PNDT टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नकली ग्राहक बनाकर इस शख्स से बातचीत की, जिसने कहा कि वह उन्हें गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवा देगा, जिसके बाद इस शख्स ने उन्हें 4,000 रुपए किसी के खाते में ट्रांसफर करवाए और आज जांच के लिए रादौर के सरकारी अस्पताल के सामने स्थित गर्ग अल्ट्रासाउंड पर आने के लिए कहा, जिसके बाद उसने PNDT टीम द्वारा भेजे गए नकली ग्राहक का अल्ट्रासाउंड करवा दिया और कहा कि आपके लिए गुड न्यूज है, मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच करवाई जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए आज भी उसने 11,000 रुपए कैश लिए थे, जिनमें से अस्पताल की पंजीकरण का खर्च उसने अपनी जेब से किया, जिसके बाद टीम ने मखाना निवासी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में अल्ट्रासाउंड केंद्र की कोई भूमिका थी या नहीं इस बारे में तफ्तीश जारी है। ऐसा है कि कुरुक्षेत्रा की PNDT टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक नकली ग्राहक बनाकर भेजा था, जिसने किसी मिडिलमैन को टाउट को संपर्क किया, जिसने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लिंग जांच करवा के दूंगा कि आपके गर्भ में पलने वाला भ्रूण जो है वो लड़का है या लड़की है, और उसके लिए उसके अकाउंट में उसने किसी एक पर्सन के अकाउंट में कुरुक्षेत्रा टीम को बोला था कि इस अकाउंट में कुछ पैसे डाल दो, तो 4,000 रुपये उसमें पहले डाले गए थे और आज फिर उसने इनको यहाँ बुलाया कि रादौर आ जाइए। तो रादौर में CHC के बिल्कुल सामने जो गर्ग अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहाँ पे उसने इनको बुलाया और वहाँ पे अंदर उसने हॉस्पिटल में गया और उसका अल्ट्रासाउंड करवा के दिया और बाद में आके बताया कि गुड न्यूज़ है, मतलब कहने का मतलब ये था कि आपका लड़का है तो आपका मतलब वो ठीक है, और 11,000 रुपये उसने आज जो है वो इस काम के लिए लिए थे कैश में, और कुछ जो पेमेंट थी जो हॉस्पिटल की 700 रुपये वो उसने खुद से की है। तो ये जो PNDT एक्ट के तहत ये इलीगल एक्टिविटी है, क्योंकि कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन अगर करता है या लिंग जांच करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, और इसलिए अब वो स्टाउट को हमने गिरफ्तार कर लिया और हॉस्पिटल की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी इसके बारे में अब तफ्तीश जारी है। वो मथाना का है जो कुरुक्षेत्र का, जो अभी प्रिलिमिनरी जांच में बताया जा रहा है, गौरव उसका नाम है, बाकी और जो तफ्तीश में जानकारी मिलेगी वो आपके साथ दोबारा शेयर। जी, इसने पहले एक बार कुछ दिन पहले नोडल ऑफिसर पंचकुला से किसी एक के अकाउंट को देके उसके अकाउंट में पैसे डलवाए, 4,000 रुपये उस दिन डाले गए और कैश उसने आज 11,000 रुपये और लिया, तो टोटल 15,000 रुपये उसने इस टीम से लिया है। आपको बता दें कि यमुनानगर के कस्बा रादौर के एक नामी अल्ट्रासाउंड केंद्र से कुरुक्षेत्र व यमुनानगर की संयुक्त PNDT टीमों ने कार्रवाई करते हुए गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग की जांच करवाने वाले एक शख्स को काबू किया है। पकड़ा गया युवक करनाल जिले के गांव मखाला का बताया जा रहा है। फिलहाल पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।